मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिविडेंड पॉलिसी। देखो, अभी तक हमने वर्किंग कैपिटल टिप्स पर कर लिया है, राइट? चार लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, आप उसको अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपके 2 मार्क्स तो वहां से कहीं नहीं गए, राइट? सेम वे में डिविडेंड पॉलिसी से आपके 2 मार्क्स यहाँ पर भी पक्के हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, 2 नंबर तो आपके कटेंगे ही नहीं, क्या पता अगर आपका लक अच्छा हो तो 4 नंबर, मीनिंग 2 क्वेश्चन आ जाए तो अपने आप 4 मार्क्स पक्के हो गए। यस, देखो इतना इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा, सच्ची कह रही हूँ, बहुत ज्यादा है। डिविडेंड पॉलिसी सबसे इजी चैप्टर है, बस कितनी मिनट, जितना मिनट का मैं लेक्चर बनाऊ ना उतनी मिनट ध्यान से सुन लो, अगर जिंदगी में भूल जाओ ना तो गारंटी है, ठीक है? मुझे कॉमेंट लिख देना कि हम भूल जाएंगे अगर भूल जाओ तो। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको डिविडेंड पॉलिसी की शुरुआत कैसे करेंगे। यस, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कौन से 3 डिसीजन लेने होते हैं, जल्दी बताइए, बोला करो साथ के साथ। यस, नंबर 1 फाइनेंसिंग डिसीजन, 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, 3 डिविडेंड डिसीजन। ओके, वेरी गुड। देखो सबसे पहले हमने बात करी फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके अंदर क्या था, फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या था, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे सामने जहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं, जहां से हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं, राइट? तो फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड था, कैपिटल स्ट्रक्चर से, कैपिटल स्ट्रक्चर से। 2nd डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या कहता था कि जो ये यहां से आपने फाइनेंस रेज किया है ना, इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने 2 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते थे, वर्किंग कैपिटल, जो हमने अभी किया था, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है ना, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ा करो, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंप्लीट हो गया, अब 3rd डिसीजन आता है, डिविडेंड डिसीजन। 3rd डिविजन कौन सा आता है, डिविडेंड डिसीजन, ये क्या बोलता है, इसको हम आज करेंगे डिस्कस। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, जो ये बता रही हूँ ना आपको, अगर ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों बताया, ये इस चैप्टर से क्या रिलेट करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार अभी जून में ही एक क्वेश्चन गलत करके आई थी मैं, इसलिए मेरे को याद रहता है, ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन होते हैं ये, कैपिटल स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से। कैपिटल स्ट्रक्चर को कोई इन्वेस्टमेंट लगाए मिलेगा, राइट? तो इनको ना हम एक एक चीज को बारीकी से समझ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, जो भी कुछ है, वेरी गुड। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक है। यस, देखो ध्यान से देखो, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो आपकी फर्म के पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, प्रॉफिट्स अवेलेबल मतलब मीनिंग इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद, टैक्स को माइनस करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, अब जो भी आपके सामने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, उन प्रॉफिट्स का वो हिस्सा, जो किसी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो किसी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड, ठीक है? और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया? ओके, वेरी नाइस। अब हम आगे क्या करेंगे, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि डिविडेंड का मीनिंग क्या है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे डिविडेंड की थ्योरी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड की थ्योरी क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। देखो मेरी एक बात बताओ, डिविडेंड की अगर हम पॉलिसी के अंदर थ्योरी की बात करें, कि कौन कौन सी थ्योरी है, तो हमारे पास 2 तरह की थ्योरी है। कौन कौन सी, एक है रेलिवेंट और एक है इररेलिवेंट। अब ये रेलिवेंट और इररेलिवेंट क्या है, देखो एक बात बताओ, रेलिवेंट से आप क्या समझ रहे हो। रेलिवेंट का मीनिंग ये है कि अगर आपकी फर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती, करती या नहीं करती, उसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर इफेक्ट पड़ता है। हमारा मेन मोटिव क्या होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, कि
जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वैल्यू को एनहांस करना, मैक्सिमाइज करना, राइट यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो यहां पर ये कह रहा है रेलिवेंट का मतलब ये है कि ये जो डिसीजन वो लेने जा रहा है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करे, रिटेन अर्निंग रखे, इसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर ऐसा है तो वो रेलिवेंट डिसीजन होगा। और ये कहता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, आप पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट करो, आप 50-60 कितना ही परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो हो गया हमारा इररेलीवेंट डिसीजन। क्लियर हुआ इतनी बात? वेरी गुड। अब आगे क्या समझना है? रेलिवेंट डिसीजन के अंदर हमने देखना है कि हमारी दो थ्योरी है, कौन कौन सी थ्योरी हमारी, एक तो है वॉल्टर मॉडल और दूसरा कौन सा है हमारा बताओ, गॉर्डन मॉडल। अच्छा जी, ठीक है, याद भी हो गया, इनको अच्छे से कराऊंगी मैं एक को क्लियर, बस अभी आपको इतना लर्न करना है रेलिवेंट कौन सा है, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। इररेलीवेंट कौन सा है? एक तो आपकी एमएम अप्रोच, कौन सी अप्रोच, एमएम अप्रोच, यस, और दूसरी रेजिडुअल थ्योरी, ठीक है जी, ये भी हो गया हमें क्लियर, वेरी गुड। तो इतना समझ में आ गया रेलिवेंट कौन से, इररेलीवेंट कौन से, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम अप्रोच, रेजिडुअल थ्योरी। अब एक एक को जो जितना मैं करा रही हूं उतना ही समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे वॉल्टर मॉडल को, कौन से मॉडल को लेके चलेंगे, वॉल्टर मॉडल को, यस। देखो वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, एक साइड में आप वॉल्टर मॉडल को रखो, एक साइड में आप गॉर्डन मॉडल को रखो, एकदम से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये कौन से है, रेलिवेंट है, यस। एक साइड में यहां पर किसको रखा, वॉल्टर को, और यहां पर किसको रखा, गॉर्डन को, ठीक है जी। दोनों रेलिवेंट है, इसका मतलब दोनों क्या बोलते हैं, दोनों कहते हैं कि अगर आप फर्म के प्रॉफिट्स को, जो अभी बचा हुआ है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो या रिटेन रखते हो, तो ऐसे केस में आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, देखो किसी भी तरीके से आप समझो, एक बात समझो जो पेपर में आता है, मैं वो बता रही हूं। वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल दोनों सेम सेम बातें करते हैं, बस एक सिंगल बात वो सेम नहीं करते, वही हमें समझना है, और वही एनटीए वाले पेपर में दे देते हैं, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, ध्यान से सुनो। वॉल्टर मॉडल क्या कहता है, देखो ये कहता है कि हमारे ना, हमें ना दो चीजों के बारे में हमें पहले से ही नॉलेज है, एक हमारी रिटर्न हो, मतलब रेट ऑफ रिटर्न होती है, कि ये हमारी कमाई होती है, ठीक है, और एक हमारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी लगा लो, ये हमारी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, किसी भी फर्म का मेन मोटिव ये होता है, या तो उसकी रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए या फिर उसकी कॉस्ट कम हो जाए, तभी उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, समझ रहे हो बात। तो ये कह रहा है कि आप डिविडेंड डिसीजन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, आप डिविडेंड डिसीजन ले रहे हो, तो यहां पर आपका क्या मेन मोटिव है, यहां पर आपका मेन मोटिव ये रहने वाला है कि आप वैल्यू ऑफ द फर्म को टॉप प्रायोरिटी दे रहे हो, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़नी चाहिए, उसकी वजह से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो। डिसीजन का मीनिंग क्या होता है कि मेरे को कोई डिसीजन लेना, चाहे मुझे किसी भी तरीके का डिसीजन लेना, ठीक है, तो उस डिसीजन में मेरे पास क्या हक होता है, या तो मैं उसको यस बोलूं या मैं उसको नो बोलूं, ठीक है। मुझे मान लीजिए किसी को 1,000 रुपए देने हैं, उसने मेरे से कहा कि आप मुझे 1,000 रुपए दे दोगे, मैंने कहा नो, तो ये मेरा डिसीजन है, या मैंने कहा हाँ दे दूंगा, तो ये भी मेरा डिसीजन है। तो यहां पर भी डिविडेंड डिसीजन में एक फाइनेंशियल मैनेजर को क्या डिसीजन लेना होता है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे, यस। देखो तीन केसेस मिलेंगे आपको, आर एक तो ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, चाहे इसमें ऐसे कर लो, और एक ये मिलेगा। सेम यहां पर हर सिचुएशन में आपके पास आपको ये वाला डिसीजन लेना होता है। अब देखो इन सिचुएशन में वॉल्टर मॉडल क्या कहता है, गॉर्डन मॉडल क्या कहता है। वॉल्टर मॉडल की माने तो फाइनेंशियल मैनेजर कैसा डिसीजन लेगा, गॉर्डन मॉडल की माने तो फाइनेंशियल मैनेजर कैसा डिसीजन लेगा, ये बात हम करेंगे क्लियर, यस। सुनो वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल यहां तक बात सेम करते हैं, क्या बात सेम करते हैं, कहते हैं कि अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। अगर आपकी कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न है ना, तो वहां पर आपकी ग्रोइंग फर्म है। कौन सी फर्म है? ग्रोइंग फर्म। और ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? रिटेन करके रखना चाहिए, दैट मींस 0% पे आउट और 100% रिटेंशन। इतनी बात समझ में आई? जहां पर आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले, वहां पर आपकी ग्रोइंग फर्म मानी जाएगी। और ऐसे केस में आप डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड नहीं करोगे, सारे के सारे को क्या करोगे? रेजिडुअल, मतलब रिटेन करके रखोगे। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड क्या केस क्या कह रहा? अगर आपके रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले, तो वहां पर आपकी रिटर्न कम है कॉस्ट ज्यादा है, तो वहां पर आप 100% पे आउट कर दो। आपने फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसीजन ले रहा है कि जहां पर मेरी रिटर्न कम होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले, वहां पर मैं क्या करूंगा? पूरा 100% पे आउट। गोल्डन मॉडल भी यहीं पर यही बोलता है। अगर आपकी आर ज्यादा है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले, ग्रोइंग फर्म है, और ग्रोइंग फर्म के अंदर क्या होना चाहिए आपका? 0% पे आउट और 100% रिटेंशन रेशियो। ठीक है, सेकेंड केस, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के मुकाबले, तो क्या करना है? 0% रिटेंशन, 100% पे आउट। यहां तक क्लियर हुआ? यस। अब ये क्या कह रहा है? ये चीज समझनी जो कि एनटीए वाले पेपर में देते हैं। ठीक है, ये ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान। अब एक मिनट, जस्ट एक मिनट के लिए पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए। यस, देखो, R इज इक्वल टू के, जहां पर आपका रिटर्न कॉस्ट के इक्वल होता है, वोल्टर मॉडल कहता है कि ये जो है मुझे नहीं, मतलब मैं कुछ नहीं, जो मैनेजर है वो कोई डिसीजन नहीं लेता, शेयर होल्डर्स के हाथ में छोड़ देता है कि अगर आप कह रहे हो तो हम आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अगर आप नहीं कह रहे तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आई? यहां पर वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता। कहने का मीनिंग ये है कि चाहे डिस्ट्रीब्यूट करो चाहे ना डिस्ट्रीब्यूट करो, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इंपैक्ट का मतलब नहीं है। आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म तब भी मैक्सिमाइज होगी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और नहीं करोगे तब भी होगी। हमारा मेन मोटिव यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज करना, ये बात पहले ही दिमाग में याद रखना। ठीक है, यस। अब याद रखना गोल्डन मॉडल क्या कहता है जो कि पेपर में आता है। देखो, गोल्डन का स्पेलिंग स्टार्ट होती है जीओ से, ठीक है, और बर्ड की स्पेलिंग होती है बीआई से। तो गोभी मॉडल याद रखना, जो गोभी सब्जी में खाते हैं ना, गोभी मॉडल, उससे याद रखना। मैंने इसी तरीके से याद किया था और मैं इसलिए आपको याद करा रही हूँ। गोभी मॉडल है वो जहां पर बर्ड की बात होती है। हमने बर्ड की बात तो सुनी है ना, पर ये याद नहीं रहता है वो गोल्डन में सुनी है या वोल्टर में सुनी है। तो मैं आपको आपको आज याद करा रही हूँ, जो गोल्डन मॉडल होता है वही गोभी मॉडल होता है। गोभी मतलब जीओ, बी आई, बी आई मतलब बर्ड, जीओ मतलब गोल्डन, तो गोभी मतलब बर्ड। ये पता है क्या कहता है? ये एक थ्योरी पर डिपेंड होता है कि जब आपकी ये वाली है, छोड़ो बात, हमें जैसे ये था वैसे ये था, जहां पर आपकी रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल आ जाए, उसका मीनिंग पता है क्या है? शेयर होल्डर्स कहते हैं कि एक बर्ड हाथ में है, उस वो अच्छा है कि दो बर्ड कहीं पर बैठे हुए हैं। मान लीजिए किसी पेड़ पर बैठे हुए हैं दो बर्ड, ठीक है, हमें दिख रहा है कि फ्यूचर में वो दो बर्ड हमें मिलेंगे, और अब अगर ले रहे हैं तो एक बर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो जो एक बर्ड हाथ में है ना वो अच्छा है, दो बर्ड तो उड़ जाएंगे एक मिनट के अंदर, पता चलेगा नहीं ना, तो एक बर्ड हाथ में अच्छा है। इसका मतलब R इज इक्वल टू के ही होगा, तो शेयर होल्डर्स कहेंगे कि हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन बोलेगा ये? शेयर होल्डर्स बोलेंगे। तो गोभी मॉडल के अंदर गोल्डन मतलब बर्ड, बर्ड वाला एग्जाम्पल है, और बर्ड में सीधा सीधा लिखा हुआ कि एक बर्ड हाथ में, मतलब वो फ्यूचर का वेट नहीं करेगा कि फ्यूचर में रिटेन करके रखो, ग्रोथ होगी तो मुझे ज्यादा मिलेगा, नहीं, वो कहेगा मुझे अभी करेंटली डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये था हमारा गोल्डन मॉडल और वोल्टर मॉडल। अब हम वोल्टर मॉडल और गोल्डन मॉडल के फॉर्मूले टिप्स पर करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रीवियस में यहाँ से भी आ रखे हैं, ठीक है, कि वोल्टर मॉडल और गोल्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या है। आपको फॉर्मूला गिवन होता है और ऊपर लिखा होता है इनमें से गोल्डन मॉडल का बताइए, इनमें से वोल्टर मॉडल का बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो, वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है? वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर प्लस रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो,
अर्निंग पर शेयर माइनस के डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यस, ये आपका वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है, वैसे मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला आपका क्या कहता है, वन माइनस के बी डिवाइडेड बाय के माइनस के बी आर। ये कहता है अर्निंग पर शेयर इंटू में वन माइनस के बी, बी यहां पर क्या है रिटेंशन रेशियो, और वन माइनस के बी हो गया डेट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, इस बात को समझो, के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी आर मतलब ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्यों, क्योंकि समझो आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, और बी का मीनिंग क्या होता है रिटेंशन रेशियो। देखो अब ये क्या कर दिया मैंने, ध्यान से सुनो, वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूले कैसे लर्न करने। गोभी याद रखने के लिए बोला था ना मैंने, गोभी गोभी जी ओ मतलब बी आई बर्ड वाला, तो गोभी याद रखना इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ना और दिख जाए कि गॉर्डन मॉडल का क्या फॉर्मूला, नीचे चार ऑप्शन तो मिलेंगे, तो देखो मैं बता रही हूँ आपको क्या। गॉर्डन मॉडल दिखा नीचे बी वाला, गोभी बी जहां से कनेक्ट हो गया ना वो वाला गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है। मतलब ये कंफ्यूज मत हो ना कि गॉर्डन मॉडल में ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इकट्ठा दे दिया तो दिमाग में हाय डी वाला ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, टेंशन में मत जाओ, टेंशन लेनी ही नहीं है बिल्कुल। गोभी जी ओ बी, गोभी से याद रखना बी जहां पर है गोभी मतलब गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला है। तो वैसे भी याद भी हो गया होगा इतनी देर में तो आपका, अर्निंग पर शेयर इनटू में वन माइनस के बी डिवाइड बाय के माइनस के बी आर, और अगर नहीं हुआ तो एक लर्न कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड आगे डी पीछे डी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उसके आगे के ई ऊपर के ई नीचे ऊपर आ, ऐसे करके याद करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फॉर्मूले भी लर्न होंगे। अब हम करेंगे इररिलेवेंट मॉडल। इररिलेवेंट मॉडल कौन से है, दो मॉडल है, ध्यान से।